पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर पड़ते कोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर खड़ी डस्टर गाड़ी से चोरों की ओर से शीशा तोड़कर 15,000 रुपए की नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए अभिषेक कुमार पुत्र सवन सिंह ने बताया कि 12 बजे कोर्ट में अपनी तारीख भुगतने के लिए आया हुआ था। उसने बाहर गाड़ी खड़ी कर अंदर चला गया और करीब 1:30 बजे के समय वह बाहर आया तो देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और गाड़ी में 15,000 और कुछ 10-20 के नोट वहां पर नहीं थे, जिसके बारे में उन्होंने थाना डिवीजन नंबर 1 में शिकायत दर्ज करवाई। अभिषेक ने बताया कि इसे करीब 2 महीने पहले भी उनकी गाड़ी का टायर काट दिया गया था। अब गाड़ी में से पैसे निकालने की वारदात को अंजाम दिया गया है, लिहाजा इनके पीछे जो भी लोग हैं उनकी पूरी गहराई के साथ जांच पड़ताल हो ताकि किसी और के साथ ऐसा भविष्य में ना हो सके। वहीं मौके पर पहुंची पीसीआर एएसआई मंजीत सिंह और महेंद्रपाल सिंह ने मौके पर हुई घटना का जायजा लिया। भाजी मैं सवेरे 12 बजे से आया, 12 बजे आया तो मैं कोर्ट के मेरी तरीक सी, तो मैं कोर्ट के चला गया। तो जो मैं 1:30 बजे वापस आया तो अगर मेरे देखा मैं गड्डी का शीशा टुटिया रहेगा तो अंदर डैशबोर्ड से 15,000 रुपया पे, तो थोड़े बोनट के अगे कोई 10-10, 20-20 वाले नोट भी पे गए, दोनों चीज़ा गायब अंदरों। तो जोड़ा ATM सेगा वह मैं अपनी जेब च पाया सगा तो बच गया आ मेरा ATM। बाई दे रब वालों कितने लड़ पै जी अंदर, मैं चलो पैसे कढ़ाने वास्ते बंदा ATM जेब च रख लैंदा थोड़े बहुते की, बाकी जी आज वेख लो एक बारी टायर फट गया थे, एक बारी शीशा टुट गया।